देखो ले भाई खा लो। ओए शाबाश। ये रायसिया नगर गंगानगर जिले में इस एरिया में हमने कहीं बंदर देखे नहीं थे, ये दो तीन यहीं पर देखे हैं इन महाराज के पास में। मेरे पास में कुछ संतरे थे तो सोचा फिर इनको ही खिला देता हूँ। छीलना भी आता है इसको तो चक्र है दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ अपने वापस मौसी जी के पास में। ये मेरे मौसी जी, आपने एक बार पहले भी देखा था, आज हम सब मिलके जाएंगे चानना धाम। धाम है, चानना धाम है। हाँ, चानना धाम। आजो। हाँ। सब चलेंगे पापा। इस बच्चों ने अभी अभी स्कूल लगी है और छुट्टी भी कर ली है। सब जाएंगे। सब जाएंगे। दोस्तों ये यहाँ पर कुतिया है घर पे, जिसका नाम निक्को है और इसके दो बच्चे हुए थे ऐसे छोटे छोटे। एक का नाम क्या है, इसका क्या नाम है? टॉमी। टॉमी है, एक मर गया बेचारे। अकेला दूध पी पी के मोटा भी काफी हो गया। कुतड़ी है, कुतिया कुतड़ी है। ये दोस्तों इस एरिया में हमने खूब सारी जगह गांव में इस तरह से देखा है कि ये फिक्स कर देते हैं इस तरह से चूल्हा बना के, और नीचे से आग जलाना और ऊपर इसके जो रखा हुआ है ना, ये क्या क्या चीज़ ऊपर, वो जेज का, जेज को ये फिक्स है इसके अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर चिनाई करके ही बना दिए। देखो ऐसे, उसे भट्टी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भट्टी। ये भट्टी है क्या? और इसमें क्या क्या चीज बनाते हो आप? इसमें पान डालते हैं, पानी पानी तो होता है, पानी पानी गर्म करते हैं। इसमें हरा चटा है, और हमेशा ही रहता है ये, सुबह शाम जल्दी उठ गए तो अभी गर्म ही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है कि शाम को डाल देते हैं, फिर ये सुबह तक अच्छा गर्म हो जाता है। फिर मेरे गाड़ी, अब हम जो इसी गर्म पानी से नहाने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ हो गया नहीं हुआ, नहीं अभी डाला ही है। बस चली। तो दोस्तों अब सब तैयार होकर के हम पास में ही प्रसिद्ध मंदिर है चानना धाम, और एक और जगह है आसपास का एरिया देख के आएंगे, बीज भाईला। बीज भाईला, हेलो। तो हम सरसों देखे जा रहे हैं, वापस आते टाइम यहाँ से तेल लेके जाएंगे। भाई आजकल गाड़ी ऐसी होने लगी, मैं खुद ही देख रहा हूँ। साथी है, गर्म है नहीं खड़े क्या भाव है? हैं? कुंटल 2750 रुपए कुंटल सरसों की। ये सरसों की है खड़े? सरसों कहाँ पे डाल दे फिर आप? अच्छा उसके अंदर सरसों ऊपर डाल दिया। अरे यहाँ से खड़ फिर तेल कहाँ निकलता है भाई? तेल कट निकले? अच्छा वो तेल निकले नहीं, जर 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 करते हुए निकल रहे थे, आंखों में जलन हो रही है, है? सरसों डालिए तीन बार निकलती है, तीन बार निकलेगी तब शुद्ध होगी एकदम, पूरी अच्छी तरह से निकलेगी। नहीं एक बात बताओ, आंखें क्यों जल रही है यहाँ पर? पानी लगाए बगैर सरसों तेल छोड़ती नहीं है। अच्छा पानी मिलाते हो पहले? हाँ
इसमें सरसों मिलाते हैं। सरसों में मिलाते हो तो ये प्रोसेस होती है, ये अच्छी तरह से निचोड़ देता है। एक और गंगानगर जिले के अंदर स्थान रह गया था चांदना धाम, और इसके बाद में कौन सा वो जाएंगे? बीज बाइला। तो सबसे पहले हम चांदना धाम, इस एरिया में काफी प्रसिद्ध मंदिर है और मेले वगैरह में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ये हमारे घर के सब लोग जो पैदल ही आते हैं यहाँ पर, बहुत दूर दूर आते हैं। आओ मौसी कदी पैदल, मैं तो कोनी टब रहा है कृष्णा। आओ टाबरो पैदल आओ, चलो कटी दिखा दे। आपका शुभ नाम क्या है? रामचंद्र शास्त्री। रामचंद्र शास्त्री जी, और ये मंदिर जो है वो कब का बना हुआ है, कितना पुराना है, कहाँ है, इसके बारे में बताओ आप। इस मंदिर की स्थापना 2 अक्टूबर 1971 को महंत श्री राम स्वरूप जी बागड़िया को हनुमान जी महाराज के जागरण में सवेरे 4 बजे आदेश हुआ कि 5 ईंटों की स्थापना करो, ये सालासर का दूसरा धाम बनेगा। अच्छा।
पांच ईंटों की जगह निश्चित नहीं है, तो चार तारीख को घर में विचार बैठ करके कर रहे थे ईंटे कहाँ रखे, तो वहाँ बाबा की शक्ति राम स्वरूप जी के अंदर आई और वहाँ घर से चल करके आए, जहाँ आज बाबा का स्वरूप विराजमान है, यहाँ आकर के हाथ रखा कि यहाँ पांच ईंटों की स्थापना करो। अच्छा। ये सालासर का दूसरा धाम बनेगा। आशौज महीने की चांदनी चौदस के दिन पांच ईंटों की स्थापना करके छोटा सा मंदिर बनाया और अपने खुले में पूजा अर्चना शुरू होने की। धीरे धीरे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, लोग यहाँ आने लगे और जो जो पैसा जो चढ़ावा आया वो मंदिर के निर्माण कार्य में लगता रहा और ये 50 साल में विशाल धाम बन करके आज आपके समक्ष तैयार है। शुरुआत 1971 से हुई। जी हाँ, शुरुआत 1971 दो अक्टूबर 1971 की रात को जो है आदेश हुआ पांच ईंटों की स्थापना का। अच्छा। और 4 अक्टूबर को जो है जगह निश्चित की गई भी चारणा धाम की ईंटें यहाँ रखी जाए और चारणी चौदस के दिन भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया 1971 को। इसीलिए चारणा धाम चारणी चौदस की वजह से पड़ा। नहीं तो? इस गांव का नाम जो है पुराना चारणा है और धाम बनने से चारणा धाम। अच्छा, गांव का नाम ही चारणा। वैसे मौके के हिसाब से चक 4 cc और 4 NN का जो है इसमें पानी लगता है नहर का। अच्छा। और गाँव का पुराना नाम चारणा है और इस वजह से चारणा धाम इसका नाम। दोस्तों आगे हम जा रहे हैं बींज बाड़िया, बींज बाइला। उससे पहले नहर के किनारे रुके हैं सबके सब नाश्ता करने के लिए, क्योंकि दोपहर 12 बजे चले थे तो थक गए चलते चलते और गाने भी खूब सारे गाए थे। यहाँ के मंदिरों के दोस्तों जो खास बात है वो पुराने टाइप के गोबर के गारे से लिपे हुए मंदिर है मावड़िया माता जी के। बहुत सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, जितने भी मंदिर है वो
कट हो जाए, बाद में निकाल लेते। अच्छा तेल इधर चला जाता है बाद में। एक सांवली मावड़िया जी है और दूसरे सांवली मावड़िया जी, एक उजले मावड़िया जी का मंदिर किस साइड में सांवली। ये है सांवली मावड़िया माता जी का मंदिर। ये फिर मावड़िया माता जी का नया मंदिर है, वो पुराने मंदिर थे। तो ये बाद में बने हैं, वो पुराने ऐसे है। तो ये माता जी के मंदिर बाद में बने हैं और कच्चे मंदिर थे पहले के समय में, उस तरह के होते थे। ब्रिजलाल मोर जी पुजारी जी हो गए यहाँ पर आप? नहीं, मैं तो कमेटी का अध्यक्ष। अच्छा, तो ये मावड़िया माता जी का मंदिर है, ये क्या है पुराना? ये 172 साल पुराना है। 172 साल मंदिर धाम पुराना है मंदिर? मंदिर 100 धाम है। हाँ। धाम मतलब मंदिर तो गांव बसे बाद में बनाया है, धाम पुराना है। धाम पुराना है ये। हाँ जी। अच्छा, और एक और बात, तो ये जो मावड़िया माता जी का मंदिर है, हाँ जी, कैसे बना था, किसने बनवाया था, क्या हुआ था उस समय? ये गांव बसाया था जी, वो गिंजा गोदारा का भाई आया था सरुकोट में यहाँ। अच्छा, उन्होंने गांव बसाया था? नहीं, तो उसके नाम से तो फिर मुहूर्त नहीं निकला। अच्छा, वो भला कर लिया, फिर वो बिंजा राम उसका भाई। अच्छा, उसके नाम से मुहूर्त निकला बिंजा राम, और मैयों के नाम से बाइलों के नाम से बाइला। अच्छा, भाइयों के नाम से बिंजा बाइला। बिंजा बाइला, तो ये गांव का नाम हो गया। हाँ जी। और माता जी का मंदिर कैसे बना, मावड़िया माता जी का? माता जी का उनको ही वो दृष्टांत हुआ था। अच्छा, दर्शन दिए थे। हाँ। और दूसरी बात, ये जो पक्का मंदिर है, हाँ जी, ये स्थान जो पहले कच्चा था या? हाँ, वो कच्चा वाला ही कच्चा था? ये पहले कच्चा था, यहाँ पर पुराना कच्चा मंदिर था। पुराना कच्चा था जी, वो महाराज सेवा करते थे ये। अच्छा, डेरे वाले। हाँ हाँ। उन्होंने ये पक्का बना दिया। पक्का बना दिया, पक्का बना दिया। तो फिर कोई गांव में बूढ़ी माई थी, उसके मुंह से कोई आवाज हुई जी, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, कच्चे में रहेंगे। अच्छा, कच्चे उसके बाद में कच्चे होना है। तो उसके बाद में ये जो तीन मंदिर है, चार कई सारे मंदिर उस परिसर में, हाँ जी, वो सारे बाद में बनाए। उनकी खास बात क्या है, गोबर से लीप के? हाँ, गोबर खास बात यही है। पक्की ईंट भी नहीं है क्या उनमें? पक्की नहीं है, कच्ची ईंट ही है। कच्ची ईंट। अच्छा अच्छा, गांव के लड़कों ने ला कर कच्ची ईंट अपने हाथों से बनाकर। आपका गाँव ऐसे कौन सा है? ये बिंज वाले गाँव, यही है। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। दोस्तों, हम खेत आए थे आज बरोटी लेने के लिए और वापस जा रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर से गिर नहीं जाए। अब पापा कौन?